खबर शाहजहांपुर जनपद से, जहां थाना बंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध असलहा व अवैध बनाने के उपकरण सहित दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक एहसानंद के निर्देशन में संजीव कुमार वाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व PS वीर कुमार क्षेत्राधिकारी पुआया के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चिन्हित किए गए अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश, वांछित वारंटी, जिला बदर अपराधी व रोकथाम, अवैध शराब, शस्त्र बिक्री, निर्माण एवं चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति, वाहन गश्त के दौरान थाना बंडा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। बंडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नहर विभाग की खंडहर कोठी ग्राम सिंघापुर खास में औचक छापेमारी कर दो अभियुक्तों सुमित गंगवार व रहीस मोहम्मद को अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर नियमानुसार सुमित गंगवार, रहीश मोहम्मद के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गढ़ उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर जनपद से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। सर, बंडा पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री खुला किया, कैसे सफलता प्राप्त हुई? जनपद में अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अभियान जारी है। इसी कड़ी में थाना बंडा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दो अभियुक्तों को अवैध असलाह बनाते समय गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से चार बने हुए तमंचे, एक देसी बंदूक और काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। साथ ही तमंचा बनाने के समस्त उपकरण भी बरामद हुए हैं। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने जहाँ जहाँ सप्लाई करना बताया है उन जगह भी कार्रवाई की जा रही है।